इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजियस रेडिकलाइजेशन यानी धार्मिक कट्टरता और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन यानी धर्म के आधार पर भेदभाव। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? क्या इसकी शुरुआत होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने से? नहीं। क्या इसकी शुरुआत होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने से? बिल्कुल नहीं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। जी हाँ, सही सुना आपने, इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। जब बच्चों को डिफरेंशिएट किया जाता है, जब बच्चों को डिफरेंशिएट करके बताया जाता है रिलीजन के बेसिस पर, केरला स्कूल की नोटबुक्स में यही पढ़ाया जा रहा है। इस बुक की एक्टिविटी को देखिए दोस्तों, हो सकता है पहली बार में आपको डिफरेंस मालूम ना पड़े, लेकिन ये रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। हो सकता है एक पॉइंट ये भी हो कि यहाँ पर रिलीजन को मेंशन नहीं किया गया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक अभिमन्यु नाम मुस्लिम फैमिली रख सकती है और आदिल नाम एक हिंदू फैमिली। लेकिन खुद इमेजिन कीजिए दोस्तों, आदिल या अभिमन्यु का नाम सुन के आपके माइंड में दोनों का रिलीजन सेम आता है या अलग अलग? केरला एजुकेशन बोर्ड की बुक में इस एंटी रिलीजन एक्टिविटी को मेंशन करने का क्या रीज़न है? एक बार वीडियो को पॉज करके इस एक्टिविटी के ऑप्शंस को पढ़िएगा और सोचिए कि क्या ऐसी एक्टिविटी स्कूल में होनी चाहिए या नहीं। अगर इस वे में स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों, तो इसी का रीज़न है कि जो धार्मिक कट्टरता वाली जो रैलीज होती हैं, उनमें सबसे आगे बच्चे दिखाई देते हैं। क्या स्कूल को हम इस चीज़ से दूर नहीं रख सकते? सोचिएगा ज़रा। इस पूरे इशू के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।